हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑन एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन एमसीक्यू वीडियो। माय नेम इज आदित्य दुबे एंड इन दिस लेसन वी विल टॉक अबाउट एनआईसी। तो एनआईसी के बारे में एमसीक्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि एनआईसी होता क्या है। आप जानते होंगे एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। ओके, ये आपने जरूर जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट विजिट की होगी तो उसमें आपने जरूर देखा होगा। इवन अगर आप एमपीपीएससी की वेबसाइट भी देखेंगे तो आपको मिलेगा mppsc.nic.in। तो ये क्या होता है एनआईसी, इसके बारे में हम समझते हैं। तो एनआईसी एक प्राइम या फॉरमोस्ट एक साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करती है। ये प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेटिक सर्विस और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीडियम, ताकि गवर्नमेंट अच्छी तरीके से फंक्शन कर सके। अब मैं आपको बेसिक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या होता है इन्फॉर्मेटिक्स सर्विस और साथ ही साथ आईसीटी क्या कहलाता है। तो इन्फॉर्मेटिक्स सर्विस के बारे में बताना चाहूंगा, ये एक ब्रांच होती है, मींस एक शाखा होती है इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग की, जो इन्वॉल्व करती है प्रैक्टिस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। मींस एक इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, एक यूजफुल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूं। अगर हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स की बात की जाए तो यदि कोई हेल्थ इन्फॉर्मेटिक ऑफिसर या हेल्थ इन्फॉर्मेटिक एक्सपर्ट अगर किसी लाखों पेशेंट्स का डेटा अगर लेगा और उसको अगर एनालाइज करेगा और उनसे एक एट्रीब्यूट्स निकालेगा और उसको कन्वर्ट करेगा एक यूजफुल फॉर्मेट में, तो बहुत सारे आने वाले दूसरे पेशेंट्स की इलाज किया जा सकता है। सरल भाषा में कहा जाए तो काफी सारे डेटा को एनालाइज किया जाता है और उसको यूजफुल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही इन्फॉर्मेटिक सर्विसेज कहा जाता है। ये एक सिंपल लेमन डेफिनेशन मैं आपको समझा रहा हूं, वैसे इसकी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन भी बताई जा सकती है जो आपने अगर इंजीनियरिंग की हो तो आप जानते होंगे। अगर बात की जाए इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, जिसको आईसीटी नाम से जाना जाता है, ये एक ब्रॉड टर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो कि डील करता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से और साथ ही साथ नेटवर्क से एसोसिएटेड जो भी काम होते हैं वो आईसीटी कहलाते हैं। ओके, ये एक बहुत सिंपल लेमन डेफिनेशन मैं आपको समझा रहा हूं। बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट आई कैन एक्सप्लेन यू मोर कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन, बट मैं जानता हूं कि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एनआईसी की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही क्रूशियल एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ई गवर्नेंस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आप जानते हैं हमारी गवर्नमेंट जो अभी प्रेजेंट में है वो ई गवर्नेंस पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है। ई गवर्नेंस मींस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंस, मींस जो गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं उनको डिजिटली हर किसी व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल किया जा सके, ताकि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़े और करप्शन मिटिगेट किया जा सके। तो एनआईसी क्या करती है, एक क्रूशियल रोल प्ले करती है ई गवर्नेंस एप्लीकेशन पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो। यदि आप एनआईसी के बारे में कुछ ज्यादा और इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप ये ऑफिशियल वेबसाइट www.nic.in में पढ़ सकते हैं। अब हम डील करते हैं एमसीक्यू से। तो एनआईसी की स्थापना कब हुई, मींस एनआईसी एस्टेब्लिश्ड ऑन विच डेट। तो यहां पे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं सीधा इसका आपको आंसर बताता हूं कि एनआईसी की स्थापना जो हुई थी वो 1976 को हुई थी। ओके, अब अगर दूसरे ऑप्शंस की बात किया जाए जो है 1971, तो उसकी बात बताना चाहूंगा कि 1971 इज द एस्टेब्लिशमेंट डेट फॉर डीएसटी, व्हिच स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और अगर बात की जाए 1986 की, तो ये है डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की एस्टेब्लिशमेंट डेट। तो ये एक स्लाइड हो गई जिसमें आपके तीन फैक्ट कवर हो गए। ओके, तो अगर आपने डीएसटी और डीबीटी के मेरे एब्स्ट्रैक्ट समरी वीडियो नहीं देखा है जो मैंने एमसीक्यू का बनाया हुआ है, तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन है कि हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईसी, एनआईसी के वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है। ये डेटा मई 2018 का है। यदि आप ये डेटा बाद में देख रहे हैं, मींस ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, तो प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट में। तो इसका सही आंसर है मिस नीता वर्मा। मिस नीता वर्मा इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईसी। अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की, मींस मिस्टर आशुतोष शर्मा की, तो ये है सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी हैं। और अगर डॉक्टर रेणु स्वरूप जी की बात की जाए तो ये है सेक्रेटरी फॉर डीबीटी, मींस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ ईताल, मतलब ईताल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहां पे आपको चार फुल फॉर्म दिए हुए हैं। एग्जामिनेशन में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड, तो सिंस ये ईताल एनआईसी से रिलेट करता है, इसलिए मैं आपको इसका फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विच इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर।
ओके याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर, ये एनआईसी के द्वारा डेवलप किया हुआ है, ये ताकि एक गवर्नमेंट का ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है। मींस अगर कहा जाए कि जितने भी ई गवर्नेंस ट्रांजैक्शन होते हैं उनका एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मॉनिटर करना कि किस तरीके से ई गवर्नेंस का ट्रांजैक्शन हो रहा है, और साथ ही साथ उस पर नजर रखना ताकि एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे और करप्शन को ट्रैक डाउन किया जा सके। ओके तो ये एक सिंपल आप ई ताल के बारे में जान सकते हैं। अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की कि इनमें से किस सॉफ्टवेयर का यूज लैंड रजिस्ट्री के लिए किया जाता है कर्नाटका में, अब मैं बताना चाहूंगा ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि एनआईसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके एक काफी अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है जिसको कहते हैं भूमि। ओके भूमि क्या होता है? भूमि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि लैंड रिकॉर्ड रजिस्ट्री करता है और लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट कह सकते हैं आप इसको। इसके तहत जितनी भी कर्नाटका की जमीन है उनको पूरी तरीके से डिजिटलाइज कर दिया गया है और उसको मॉनिटर किया जा रहा है, मींस कि किस कौन उस व्यक्ति कौन व्यक्ति उस जमीन का मालिक है, और ताकि जो फोजरी होती है हमारे देश में उसको कप डाउन किया जा सके। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनआईसी के साथ लिया है। अब अगला क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ स्कोस्टा, स्कोस्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्कोस्टा का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है, मींस एक ऐसा कार्ड सिस्टम है जो कि एनआईसी के द्वारा डेवलप किया गया है, और ये उसी तरह होता है जिस तरीके से हमारा पैन कार्ड होता है या हमारा ड्राइविंग लाइसेंस होता है या दूसरी हमारी अदर इंफॉर्मेशन होती हैं जो कार्ड्स होती हैं, उसी तरह होता है, लेकिन ये डिजिटलाइज फॉर्मेट में किया जा रहा है। ये अभी पायलट प्रोजेक्ट है, मींस इसमें काम चल रहा है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो skosta.gov.in में पढ़ सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो आपको लग रहा होगा कि ये ट्रांसपोर्ट से डील कर रहा है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट से ही लिंक करता है, लेकिन इसका यूज जेनरिक पर्पस मीन सामान्य पर्पस के लिए है। ट्रांसपोर्ट इसलिए ऐड किया गया इसमें क्योंकि ये जो किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा रिक्वेस्ट पे बनाया गया था, और देन ये जेनरिक प्लेटफॉर्म मीन सामान्य लोगों के लिए लाया गया। ओके अब ये काम चल रहा है इसमें, आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस हाई स्पीड नेटवर्क को एजुकेशनल बैकबोन इंस्टीट्यूशन के लिए लाया गया, मींस व्हिच ऑफ दीज हैज अ पर्पस टू प्रोवाइड अ यूनिफाइड हाई स्पीड नेटवर्क फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये एनआईसी के द्वारा एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं हमारे इंडिया के गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसमें एक हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करना ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी हो सके। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ओके NKN ये इसका फुल फॉर्म है। ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है एनआईसी के द्वारा जो लिया गया है, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट को, उनको आपस में कनेक्ट कर दे ताकि एक अच्छी नेटवर्क एक हाई स्पीड नेटवर्क एक्सेस मिल सके। ओके अब अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस मोबाइल ऐप का यूज 1200 सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए लिया जाता है। अब यहां पे इसका मैं आंसर बता रहा हूं और साथ ही साथ एक और फैक्ट आपको बता रहा हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विच इज उमंग। ओके उमंग, अब आपसे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उमंग एप्लीकेशन है उसमें कितनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज है, तो आपका यह भी प्रिपेयर हो गया कि 1200 मींस 1200 सर्विसेज हैं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की है जो उमंग एप्लीकेशन में मौजूद है। अब अगर उमंग की बात की जाए तो उमंग भी एक फुल फॉर्म होता है, मींस एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ओके यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये याद रखिएगा काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ, और साथ ही साथ ही आपका स्टैटिक फैक्ट हो सकता है क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। और अगर एमपीपीएससी की बात की जाए तो एमपीपीएससी कभी कभी किसी भी मतलब जो इवेंट होता है या जो प्रोग्राम होता है उसकी लॉन्चिंग डेट भी पूछ लेता है, तो उसकी लॉन्चिंग डेट है नवंबर 2017। तो ये आपके करंट अफेयर के लिए क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। इसमें हुआ ये कि जितनी भी 1200 से भी ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उनको मर्ज डाउन कर दिया गया है सिंपल एक प्लेटफॉर्म में। ये एप्लीकेशन एंड्रॉइड iOS विंडोज फोन या जितने भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सब में अवेलेबल है, मींस इस
एप्लीकेशन की मदद से आप जैसे सर्विसेज होती हैं आधार, डिजी लॉकर, पैन कार्ड या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या इसके अलावा दूसरी जितनी भी एप्लीकेशन है आप उनको 24/7 एक्सेस कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। अब एक मैं करंट अफेयर आपको बताना चाहता हूं एनआईसी से रिलेटेड जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और ये आपको एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकता है, चाहे वो पेपर वन के पर्सपेक्टिव में करंट अफेयर के रूप में बात की जाए या आपके पेपर टू के पर्सपेक्टिव में एनआईसी के रूप में बात की जाए। तो एनआईसी जो है उसने अपना फोर्थ डेटा सेंटर लॉन्च किया है भुवनेश्वर में। याद रखिएगा भुवनेश्वर ओडिशा में एनआईसी ने अपना फोर्थ डेटा सेंटर इंस्टॉल किया है। ये काफी बड़ा डेवलपमेंट है एनआईसी की तरफ से। और अगर बात की जाए ये पहले तीन डेटा सेंटर कहाँ थे तो मैं बताना चाहूंगा दिल्ली, पुणे और हैदराबाद में सेंटर्स बने थे। और सबसे पहला डेटा सेंटर दिल्ली में बना था, सेकंड बना था पुणे में और तीसरा बना था हैदराबाद में। ओके, तो डेटा सेंटर अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि डेटा सेंटर एक ऐसी नेटवर्क फैसिलिटी होती है, एक नेटवर्क एरिया होता है जहां पे स्टोरेज किया जाता है और जितने भी डेटा रहता है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्टोर किया जाता है, पुल किया जाता है और प्रोवाइड किया जाता है। सरल भाषा में कहा जाए कि एक ऐसा रूम जहां पे कंप्यूटर का डेटा स्टोर किया जाता है और आपकी जितने भी इंफॉर्मेशन जो आप वेब सर्विसेज एक्सेस करते हैं उनको स्टोर किया जाता है ताकि उनको रिमोटली एक्सेस किया जा सके। तो ये काफी अच्छा डेवलपमेंट है एनआईसी की तरफ से, ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेसन, आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको ये मेरा लेसन अच्छा लगा और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहे नए हो चाहे पुराने हो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि ये मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं नए और अच्छे वीडियोस क्रिएट करूं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, काफ़ी लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि मैं अपने वीडियो लेसन को इम्प्रूव करूँ। मैंने ये छोटा सा इनिशिएटिव और इम्प्रूव करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वाला वीडियो प्रीवियस वीडियो के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने इसमें थोड़े ज़्यादा फैक्ट्स इनकलकेट किए हैं। अगर आप मुझे और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री होके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। सो दैट्स इट फॉर नाउ, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, बाय।